मुरादाबाद में सहाफियों के साथ लगातार होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के 71वीं योम तासीस के मौके पर 12 मुतालबात के साथ कन्वीनर फहीम खान की क्यादत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तवसुत से वजीर आजम को एक मेमोरेंडम भेजा गया। इस मौके पर तंजीम से वाबस्ता सभी सहाफी मौजूद रहे। मेमोरेंडम में मुल्क और रियासत में हजारों सहाफियों के खिलाफ दायर फर्जी मुकदमात के वापस लेने, सहाफियों के लिए कौमी रजिस्ट्रार बनाने समेत कई मुतालबात किया गया। ज्ञापन दिया गया तो कब? आज इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का 71वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में पत्रकारों की समस्याओं के लिए हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। क्या जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे ये हैं कि एक तो कोरोना काल में जो पत्रकार मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको 10 लाख रुपए दिया जाए। मानता कि जो नियमावली है उसे सरल किया जाए। जो क्या कहते हैं, प्रदर्शन और कार्यक्रमों के दौरान छाया पत्रकार, वीडियो पत्रकारों के ऊपर जो हमले होते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। यही नहीं, पूरे देश में 1000 से ज़्यादा झूठी FIR पत्रकारों के खिलाफ की गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगह पर पत्रकारों को जेलों में डाला गया है। कल का मामला है कि अमृतसर में एक गगन जोशी पत्रकार के खिलाफ एक FIR वहाँ के DIG ने की है। तो इन्हीं मांगों को लेकर हमने प्रेस काउंसिल, गृहमंत्री और सारे लोगों के लिए हमने ये ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। मुरादाबाद कॉलोनी की काफ़ी समय से मांग उठ रही है, उसके संबंध में कुछ? इसमें भी हमने ये दिया है कि पत्रकारों के लिए जो रियायती दर पर और EMI यानी सस्ती किस्तों के आधार पर दिया जाए।